इसराइल पर हमास हमले के बाद अब अरब देशों में हलचल बढ़ती दिख रही है। एक और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने फलस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति के अलावा मिस्र और जॉर्डन के साथ बातचीत की है, तो दूसरी तरफ अरब लोग भी शामिल लोगों के विदेश मंत्रियों की बुधवार को आपात बैठक बुलाई गई है। क्राउन प्रिंस ने फलस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बासी से बात करते हुए और उनसे कहा कि सऊदी अरब फलस्तीनियों के अधिकार, उनकी उम्मीदें और महत्वाकांक्षा और शांति के लिए खड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पिछले महीने ही फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा था कि इसराइल से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में वह हर दिन मुकाम के करीब पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ फलस्तीन नहीं चाहते कि सऊदी अरब इसराइल से संबंध कायम कर उसकी संप्रभुता को मान्यता दे। कहा जा रहा है कि इसराइल पर हमास ने ऐसे वक्त हमला कर सऊदी और इसराइल के रिश्ते सामान्य करने की कोशिश पे पानी फेर दिया। पूरे मामले में ईरान मुखर होकर फलस्तीनियों के लिए बोल रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ईरान फलस्तीनियों को अधिकारों की वकालत करने की सऊदी अरब से आकल आगे निकल रहा है। इस्लामिक देशों के भीतर इस्लामिक दुनिया के नेतृत्व को लेकर भी प्रतिद्वंदिता रही है। इस प्रतिद्वंदिता में फलस्तीनियों का मुद्दा बेहद अहम है। इस बीच ईरान और इराक ने फलस्तीन में हुए ताज़ा घटनाक्रम की समीक्षा के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIDC की मीटिंग बुलाई है। शनिवार तड़के हमास ने गजा की तरफ से दक्षिणी इसराइल पर बड़ा हमला किया था। हमास ने दावा किया कि उसने करीब 7,000 रॉकेट दागे। इसके बाद इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। हमास के हमले में इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ। हमास के हमले में इसराइल की कम से कम 900 लोगों की मौत हुई। उसके कई नागरिकों को बंदी भी बनाया गया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में सैकड़ों फलस्तीनियों को मारे जाने की खबर है। बीते कुछ सालों में बहरीन, सूडान, UAE और जैसे अरब देश उनके साथ इसराइल के संबंध कायम हुए थे। इस बीच अमेरिका का मध्य स्थिति और इसराइल को सऊदी अरेबिया की संबंधों में नरमी की भी संकेत दिखने लगे। सऊदी अरब हमेशा से फलस्तीन और उसके लोगों का समर्थन करता आया है, लेकिन इस बीच रिपोर्ट भी आया है कि फलस्तीनी के मुद्दे को किनारे कर सऊदी अरब इसराइल के साथ रिश्ते कायम करने पर राजी हो सकता है। बदले में उसे अमेरिका के साथ रक्षा का सौदा करना था।